हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारा 47th लेक्चर है वो कैब के ऊपर। क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा अल्फाबेट चल रहा है ए। कल अभी हमने कई सारे अल्फाबेट्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम अल्फाबेट ए की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। एक बार आप कमेंट कर दें कि कौन कौन क्लास में है, फिर अपन क्लास। हेलो प्रिंस, कैसे हो आप? बढ़िया प्रिंस, आवाज़ आ रही है ठीक से? ऑडिबल है? ओके, अल्फाबेट ए चल रहा है हमारा। जो भी क्लास में, एक बार आप कमेंट कर दें। ओके, आज जो हम पहला वर्ड हम पढ़ रहे हैं, एलोए तक हमने पढ़ लिया था। हमने एलोए तक कवर कर लिए हैं, तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग पीहू। देखो पहला हम वर्ड क्या पढ़ रहे हैं आज, एल्यूजन। देखो एल्यूजन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा वर्ड है एल्यूजन। एल्यूजन क्या पढ़ना है? All of us are ions. देखो एल्यूजन की स्पेलिंग क्या है? ALLUSION. तो all of us are ions, ऐसा आपने पढ़ना है कि हम सब के सब क्या हैं? आयन्स हैं, ठीक है ना। देखो हमारी बॉडी में चार्ज तो ही है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम के सब के सब क्या हैं? आयन्स हैं। यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से, हेलो रेणुका, इनडायरेक्ट तरीके से हम खुद को ये कह सकते हैं, आयंस कह सकते हैं। तो एल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज़ को इनडायरेक्टली मेंशन करना। इनडायरेक्ट मेंशन क्या होता है किसी चीज़ का? एल्यूजन होता है। इनडायरेक्ट मेंशन का क्या बोलते हैं? कि एल्यूजन बोलते हैं। और किसी चीज़ को इनडायरेक्टली मेंशन करना क्या होता है? एल्यूड करना होता है। किसी चीज़ को इनडायरेक्टली या भेस बदल कर, रूप बदल कर किसी चीज़ को मेंशन करना, बताना, सामने लाना क्या होता है? एल्यूड करना होता है। तो दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है एल्यूजन, ये नाउन है, और दूसरा वर्ड है एल्यूड, ये है वर्ब, ठीक है ना। एल्यूजन एंड एल्यूड। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल्योर। देखो एल्योर वर्ड के लिए ना आपको पढ़ना है ल्योर। देखो इंग्लिश में ल्योर ना लालच का रूट है। किसका रूट है? ल्योर लालच का रूट है। तो देखो ल्योर लालच को इंडिकेट करता है, तो एल्योर होता है ललचाना, किसी को लालच देना। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटाइस। एंटाइस का मतलब भी क्या होता है? किसी को लालच देना होता है, किसी को अट्रैक्ट करना होता है, किसी को अट्रैक्ट करना होता है, एल्योर करना। ओके, देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलुवियल। देखो अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है ना, तो आपने शायद पढ़ा होगा एलुवियम क्या होता है, एलुवियल सोयल पढ़ा होगा आपने। अगर आपने ज्योग्राफी को, मीन्स मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पड़ी है, तो जो पहाड़ से पानी, पहाड़ से जब पानी आता है नीचे, तो साथ में जो मिट्टी वगैरह बह के आती है, इसको बोलते हैं एलुवियल सोयल है। ये क्या है? एलुवियल सोयल होती है, ठीक है ना। तो एलुवियल किसका कनेक्शन है? एलुवियम से जुड़ा हुआ। तो जो बीच में पत्थर होती है, मिट्टी होती है, कंकर होते हैं, तो ये बहकर आते हैं, ये क्या होता है? एलुवियम होता है। इसको क्या बोलते हैं? एलुवियम है। तो एलुवियम से जुड़ा हुआ क्या होता है? एलुवियल होता है। एलुवियम से जुड़ा हुआ क्या होता है? एलुवियल होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलूफ। देखो एलूफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। एलूफ का मतलब, गुड इवनिंग गुरमीत, एलूफ का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना। देखो डिस्टेंट लिखा है, ठीक है ना, रिमोट इन अ मैनर। एलूफ का मतलब होता है परे, दूर, अकेला, ठीक है ना, एलूफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलॉफ्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलॉफ्ट को आपने क्या पढ़ना है? लिफ्ट। देखो ए लॉफ्ट लिखा है ना, ए लॉफ्ट, तो लॉफ्ट को क्या पढ़ो? लिफ्ट। अब देखो लिफ्ट क्या करती है? लिफ्ट क्या करती है? नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, है ना। अब ऊपर ऊपर बहना, किसी चीज़ की ऊपरी परत में रहना, ठीक है ना, हायर एटमॉस्फियर को क्या बोलते हैं? एलॉफ्ट बोलते हैं। एलॉफ्ट का मतलब होता है ऊपर, ऊपर जाने के लिए। देखो गो अपवर्ड, तो जब कोई चीज़ ऊपर जाती है या ऊपर बनी हुई है, तो उसके लिए एलॉफ्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑल्टरकेशन। अगर आपने रूट वर्ड्स पढ़े थे, तो हमने एक रूट पढ़ा था ऑल्टर। इंग्लिश में ऑल्टर का क्या मतलब होता है? दूसरा। तो ऑल्टर से बनता है ऑल्टरकेशन, यानी कि किसी दूसरे से झगड़ा,
ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? दूसरा। और ऑल्टर से वर्ड बनता है ऑल्टरकेशन, यानी कि किसी दूसरे से झगड़ा क्या होता है? ऑल्टरकेशन होता है। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑल्टरकेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वारल, ठीक है ना? तो ऑल्टर किसको रूट करता है? झगड़े को इंडिकेट करता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरिस, देखो ये वर्ड भी ऑल्टर से ही बना है। ऑल्टर किसका रूट है? दूसरे का। किसका रूट है? दूसरे का। तो ऑल्टरिस्टिक क्या होता है? जो दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है उसको बोलते हैं ऑल्टरिस्टिक है। अगर आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो तो आप क्या हो? आप ऑल्टरिस्टिक हो। आप क्या हो? आप ऑल्टरिस्टिक हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमलगमेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमलगमेट। देखो अमलगमेट का मतलब ना मिक्सचर होता है, या मिक्स करना होता है। इसका क्या मतलब होता है? मिक्स करना, ठीक है ना? जैसे आपने दो चीज़ों को मिला दिया, जैसे मान लो कोई ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब वगैरह है, इसमें आपने केमिकल डाला ए, फिर आपने दूसरा मतलब बी मिला दिया। अब ये क्या बन गया? ए और बी मिल गए तो ये क्या बन गया? अमलगमेट कर दिया आपने। अमलगमेट का मतलब होता है दो चीज़ों को मिला देना, कंबाइन कर देना, जोड़ देना, यूनाइट कर देना, अमलगमेट होता है। देखो यहाँ पे लिखा फ्यूज़ करना। फ्यूज़ करने का मतलब भी क्या होता है? अमलगमेट कर देना। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है और एक मान लो कि ऑक्सीजन है, तो आपने इनको जोड़ दिया तो आपने पानी बना दिया H2O। तो एक जैसे अमलगमेशन हो गया, मिक्सचर बन गया, मेल बन गया, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? अमास। देखो मास का मतलब क्या होता है? मास तो बिल्कुल सिंपल सा शब्द है, ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड को बोलते हैं मास। कई सारे लोगों के झुंड को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और लोगों का झुंड का इकट्ठा होना क्या होता है? अमास होना। अमास का मतलब होता है इकट्ठे होना। अमास शब्द का क्या मतलब है? इकट्ठे होना। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमेजन। देखो अमेजन तो आपने पढ़ा होगा, नदी है, बहुत बड़ी नदी है साउथ अमेरिका में, है ना? दुनिया की सबसे चौड़ी चौड़ी नदी का नाम क्या है? अमेजन है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। और अमेजन क्या होता है? एक ऐसी फीमेल को बोला जाता है जब एक फीमेल युद्ध करती है, ठीक है ना, झांसी की रानी, तो ये क्या है? अमेजन है। तो फीमेल वॉरियर, ठीक है ना, एग्रेसिव वुमेन को भी क्या बोलते हैं? अमेजन बोलते हैं, ठीक है ना? अमेजन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड के अंदर आता होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। अब देखो अगर आपने सारी क्लासेस लगाई हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि डेक्स्टर इंग्लिश में कला का रूट है और एमबी का मतलब होता है दो। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि दोनों हाथों से बराबर काम कर सकता है, राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से भी, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बियंस। देखो एम्बियंस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो पहली बात तो इंग्लिश में अगर ई एन सी ई या ए एन सी ई वाला कोई शब्द होगा, ये नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो एम बी को आपने पढ़ना है अंबर। क्या पढ़ना है? अंबर। अंबर का मतलब होता है आसमान, ठीक है ना? अब मान लो कि आसमान से क्या पता लगता है? किसी जगह के माहौल का पता लगता है, एटमोसफियर का पता लगता है। तो अंबर, एम्बियन से क्या पढ़ना है? अंबर। अंबर का मतलब माहौल। तो माहौल को, एटमोसफियर को क्या बोलते हैं? एटमोसफियर को क्या बोलते हैं? एम्बियंस बोलते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बिगुअस। देखो एडजेक्टिव है ये, ओजुअस आ गया ना, किसी वर्ड के लास्ट में ओजुअस आ जाएगा, क्या होगा? हमेशा एडजेक्टिव होगा। और एम्बी का मतलब होता है दो। तो जो लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं उनको बोलते हैं एम्बिगुअस है, या जिन बातों की क्लैरिटी नहीं होती। मान लो कोई आपसे इस तरह से बात करता है, उसके डबल मतलब निकलता है, उसका दो मतलब निकलते, डबल में नहीं निकलता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि इसकी बातें क्या होती हैं? एम्बिगोस होती हैं। क्या होती हैं? एम्बिगोस बातें होती हैं, यानी कि जिसकी बातों के दो अर्थ निकलें, जो बातें क्लियरली ना बताई जाएं, उनको बोलते हैं एम्बिगोस बातें हैं ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बिवेलेंस। देखो एम्बी का मतलब तो दो होता है, एम्बी का मतलब होता है दो, और वेल का मतलब होता है चलना। इंग्लिश में अगर VAL लिखा मिले तो ये क्या होता है? चलना होता है। और एमबी का मतलब होता है दो। तो एमबी वैलेंस का मतलब क्या होता है? जब आप दो रस्तों पे चलने को तैयार हो, यानी कि देखो एमबी वैलेंस का मतलब होता है यू आर नॉट एबल टू डिसाइड के विच वे टू गो, इधर मीन्स यू वॉन्ट टू गो लेफ्ट और राइट। जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लाइक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। अभी एक डाउट रहता है ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या कोई बिजनेस कर लूं, ऐसा डाउट रहता है,
ठीक है ना। तो ये क्या है, आप एम्बीवेलेंट हो। व्हेन यू नॉट एबल टू डिसाइड, यू आर इंडिसिसिव, यू नॉट एबल टू चूज बिटवीन द टू, विच वे शुड यू गो विद। तो दिस इज बीइंग एम्बीवेलेंट। ओके, सो व्हाट इज एम्बल? एम्बल इज अ रूट, चलने का रूट है। जब आप आराम से चलते हो, देखो इंग्लिश में ना एम्बल चलने का रूट है, पहले तो ये समझते हैं, ठीक है ना। तो एम्बल चलने का रूट है, एम्बल का मतलब होता है आराम से चलना। जब आप रिलैक्स होके पार्क में चल रहे हो, आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई भागम भाग नहीं है, आप एम्बल कर रहे हो। और रैम्बल का मतलब होता है भटकना, रैम्बल का मतलब होता है यूर वॉकिंग विदाउट एनी एम, यूर वॉकिंग एमलेसली, दिस इज रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब होता है बस भागते रहना, लक्ष्य तो कोई है नहीं, बस भाग रहे हैं, तो दिस इज रैम्बलिंग। एम्ब्रोसिया, नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रोसिया। नाउ सी हाउ यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड। इसको आपने पढ़ना है अम्ब रस, आपने क्या पढ़ना है, अम्ब रस। आप मान लो कि मंदिर में गए और मंदिर में जाने पे आपको प्रसाद मिला आम का, ये आम है, आपको आम का रस निकाल के दे दिया, ठीक है ना। तो प्रसाद को बोलते हैं एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का मतलब होता है फूड ऑफ गॉड्स, ठीक है ना, यानी कि प्रसाद को बोल देते हैं एम्ब्रोसिया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्ब्रोसिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं एम्बुलेटरी। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, एम्बल का मतलब क्या होता है, चलना। एम्बुलेटरी का मतलब होता है कवर्ड वॉकवे, मीन्स एक ऐसा रास्ता चलने का जो कि ऊपर से कवर्ड है, इसको बोलते हैं एम्बुलेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एमिलियोरेट, एमिलियोरेट। देखो इसको याद कैसे करना है आपने, आपने पढ़ना है, मान लो कोई लड़की है, इसका नाम है एमिली, एक लड़की है, इसका नाम क्या है, एमिली है। अब इसका स्वभाव कैसे सबकी हेल्प करती है, ये कैसे सबकी हेल्प करती है, तो इसका एक दोस्त है मान लो एक्स, इसका दोस्त है वाई, जेड। तो किसी को इसने कपड़े दे दिए, किसी को पैसा दे दिए, किसी को दवाई दे दी, तो इसको क्या लगता है, इसको लगता है एमिली को क्या लगता है कि सबकी हेल्प करने से दूसरों की ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दूसरों की ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये लड़की क्या है, एमिलियोरेट कर रही है, दूसरों की लाइफ को एमिलियोरेट कर रही है, यानी कि बेहतर कर रही है। बेहतर करना क्या होता है, एमिलियोरेट करना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमेनेबल, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमेनेबल। इसको पढ़ना क्या है, अमेन एबल, एक आदमी जो कि एबल है। अब इसका क्या मतलब है, इसको आपने पढ़ना है, एक ऐसा आदमी है जो कि आप एबल हो उसको कन्विंस करने में, आप उसको मना लेते हो किसी भी काम के लिए, यानी कि वो आसानी से मान जाता है। जब आपको कोई ऐसा पर्सन जानते हैं जो आसानी से मान जाता है, जो आपकी बात को मान लेता है, तो वो पर्सन क्या है, अमेनेबल है। अमेनेबल का मतलब होता है जो आसानी से हाँ कर देता है, जो प्लीज हो जाता है आसानी से, जो ज़्यादा नखरे नहीं मारता, ड्रामे नहीं मारता, उसको बोलते हैं अमेनेबल है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, अमेनेबल है ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमेंड। अमेंड तो आपने पढ़ा होगा। देखो अमेंड का मतलब होता है खुद को ठीक करना, जैसे मैं बोलता हूँ अमेंड योर सेल्फ, क्या मतलब है, अपनी गलती ठीक कर लो, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट्स भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने संविधान पढ़ा है तो संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि बदलाव होते हैं। तो अमेंडमेंट्स का मतलब होता है बदलाव, और अमेंड का मतलब होता है बदलाव करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिनिटीज़। देखो एमिनिटीज़ का मतलब होता है बेसिक ज़रूरतें, ठीक है ना। देखो हमें, हम जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है ना, लाइफ की, उसको बोलते हैं एमिनिटीज़ है हमारी, ठीक है ना, बेसिक कंफर्ट, जो हमारे को बेसिक चीज़ें चाहिए ज़िंदगी चलाने के लिए, वो हमारी एमिनिटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिएबल। अगर आपने लेक्चर सारा लगाए हैं तो आपने पता होगा कि एम किसका रूट है, लव का रूट है या फ्रेंडशिप का रूट है। जब आपको रूट्स करवाए थे तो एम किसका रूट था, लव एंड फ्रेंडशिप का रूट था। तो एमिएबल का मतलब होता है प्यारा, एमिएबल का मतलब क्या होता है, प्यारा। और एमिकेबल का मतलब होता है जो बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेता है, मिलनसार को बोलते हैं एमिकेबल, ठीक है ना। एमिएबल क्या होता है, जल्द जो बहुत प्यारा लगता है आपको, और एमिकेबल क्या होता है, जिससे आप जो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, जो बहुत सोशल होता है, जो बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, वो क्या होता है, एमिकेबल होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिकेबल ही लिखा है, वो क्या लिखा है, फ्रेंडली। तो एमिकेबल क्या होता है, फ्रेंडली होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या लिखा है देखते हैं, एमिस। देखो इसको मिस से याद रखना है, मिस का मतलब होता है चूक जाना, चूक जाना। जैसे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने क्या कर दिया, कोई अपॉर्चुनिटी क्या कर दी, मिस कर दी, अपॉर्चुनिटी आपने क्या कर दी, मिस कर दी। तो आप वो क्या है, वो अमिस है, वो क्या है, अमिस। अमिस का मतलब होता है चूक, अमिस का मतलब क्या होता है, चूक। जैसे आप ये कह सकते हो कि पीएम की सिक्योरिटी में अमिस देखा गया, क्या मतलब है,
पीएम की सिक्योरिटी में एक चूक देखी गई, तो एमिस का मतलब होता है चूक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिटी। अभी हमने पढ़ा था कि एम किसका रूट है, लव का रूट है या फ्रेंडशिप का रूट है, तो एमिटी का मतलब होता है दोस्ती। एमिटी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेंडशिप को बोलते हैं एमिटी। एमनेशिया को आपने क्या पढ़ना है, एशिया, ठीक है ना। लास्ट में क्या लिखे, एशिया लिखे ना, एशिया। देखो एशिया में कितने हैं, 48 कंट्री हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई थिंक देर आर 48 कंट्रीज इन एशियन कॉन्टिनेंट। और 48 कंट्रीज को याद रखने का मतलब कि बहुत टफ काम है। आपको मेन मेन तो याद रहेंगे, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चाइना है, लेकिन 48 कंट्रीज याद करना इज ए टफ जॉब। तो आपको बार बार ना वो कंट्रीज भूल जाएंगे। तो एमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, ठीक है ना। जब आपको फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, आप भूल जाते हो चीज़ों को, आप एमनेशिया से सफ़र कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी को आपने क्या पढ़ना है, आई एम नेस्टी। क्या पढ़ना है आप, आई एम नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है नटखट। नेस्टी का मतलब क्या, नटखट। अब आप तो बहुत नटखट हो, ठीक है ना, फिर भी आपके माँ बाप क्या करते हैं, आपको माफ़ कर देते हैं। आपको क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। माफ़ी को क्या बोलते हैं, एमनेस्टी बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है इसको, आई एम नेस्टी, देखिए मैं नटखट हूँ फिर भी क्या है, मेरे मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देते हैं, तो माफ़ी को बोलते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमोरल। एमोरल हमने कई बार पढ़ लिया है, जिसमें मैनर्स नहीं होते, संस्कार नहीं होते, वगैरह 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 वगैरह। ये क्या होता है, मोरल होता है। मोरल शब्द संस्कारों को, मैनर्स को, एटिकेट्स को इंडिकेट करता है। और अमोरल क्या होता है, जिसमें संस्कार नहीं है, मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, वो क्या होता है, अमोरल होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमोरस। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एमोरस। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, ए एम किसका रूट है, ए एम रूट है लव का, फ्रेंडशिप का, ठीक है ना। तो देखो अभी आपने क्या ध्यान रखना है, एमोरस का मतलब होता है मोटिवेटेड इन अ सेक्सुअल मैनर, ठीक है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं एमोरस। लस्टफुल को बोलते हैं, एमोरस का मतलब होता है लस्टफुल। सेक्सफुल को क्या बोलते हैं, एमोरस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमोरफस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो एमोरफस का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब कि ना कोई फिक्स शेप स्ट्रक्चर नहीं है, जिसके अंदर बदलाव आता रहता है। देखो डेफिनाइट फॉर्म ऑफ शेप एंड साइज नहीं जिसका, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एमोरफस। उसको क्या बोलते हैं, एमोरफस है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो नॉट शेप, जिसकी शेप साइज फिक्स नहीं है, जो रेंडम है, उसको बोलते हैं एमोरफस है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एम्फीबियन। देखो एम्बी किसका रूट है, दो का रूट है। तो एम्फीबियन क्या होता है, वो जानवर जो कि, हाँ एमोरफस मीन्स फुल ऑफ लव भी कह सकते हो, लेकिन एमोरफस मेनली इट्स लस्ट, लस्ट को इंडिकेट करता है। एम्फीबियन किसको इंडिकेट करता है, जब कोई जानवर है वो क्या करता है, मान लो ये जमीन है, ये पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, और ये मान लो कोई पानी है। अब कोई जानवर जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, उसको बोलेंगे एम्फीबियन है। वो क्या है, एम्फीबियन है। एम्फी का मतलब होता है दो, एम्फी का मतलब हो गया दो। तो दो जो दो जो दोनों जगह रहता है, तो जल और थल दोनों जगह पर रहता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब होता है ना, एक ऐसा थिएटर होता है जिसकी छत नहीं होती, और वो गोल शेप का होता है, एक्चुअली राउंड शेप्ड ओपन टू एयर थिएटर होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर है, ठीक है ना, यानी कि गोल शेप में थिएटर होगा और बीच में स्क्रीन टाइप लगी होगी, वो आप देख लेना, जैसे स्क्रीन है और चारों तरफ ऐसे गोल होगा इसके, ठीक है ना, और एक छत नहीं होगी, छत नहीं होगी, इसको बोलते हैं एम्फी थिएटर है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्पल। एम्पल अगर आप थोड़ी सी भी रीडिंग करते हो तो आपको जरूर एम्पल शब्द लिखा मिलेगा। एम्पल का मतलब होता है बहुत अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। एबंडेंस को इंडिकेट करता है, ज़्यादा को इंडिकेट करता है। एम्पलीफाई करना, देखो गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत लोग स्पीकर लगा के रखते हैं, एम्प लगा के रखते हैं, ताकि जो साउंड है उसका सिग्नल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाए। तो एम्पलीफाई करना होता है सिग्नल को बड़ा करना, क्या होता है, इंक्रीज करना, क्या होता है, एम्पलीफाई करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या लिखा है, एम्पुटेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ना एट से याद रखना है, एट और एम्प को पढ़ना है आर्म, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, एम्पुटेट है ना, इसको पढ़ना है आर्म एट। अब मान लो कि किसी की आर्म को कोई खा जाए, है ना, एम्पुटेट। अब मान लो किसी कोई पर्सन है, ठीक है ना, अब इसकी मान लो कि बाजू में प्रॉब्लम आ गई, तो डॉक्टर ने इसकी बाजू काट दी, ठीक है ना, तो इसको क्या कर दिया, एम्पुटेट कर दिया, एम्पुटेट कर दिया। तो याद कैसे करना है, आर्म को एट कर लिया। तो जब कोई मेडिकली किसी के अंग को काट के बॉडी से अलग कर दिया जाता है, इस ऑपरेशन को बोलते हैं कि एम्प्यूटेट कर दिया, किसी अंग को, किसी ऑर्गन को बॉडी से बाहर निकाल दें, अलग कर दें, इसको बोलते हैं एम्प्यूटेट करना।
काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमोक। देखो एमोक का मतलब होता है गुस्से के भाव से भरा हुआ, रेज, रेज से भरा हुआ। क्या होता है एमोक? अब इसको आपने याद कैसे करना है? मोक से करना है। देखो मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, MOCK का मतलब क्या होता है? मजाक। अब मान लो कि आप किसी भी पर्सन का मजाक उड़ाओ या आपको कोई मजाक उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा? मीन्स धक्के काम से मजाक उड़ाए, आपको गुस्सा आएगा, चाहे आप बोलो मत लेकिन आपको ठीक नहीं लगेगा, आप रेज से भर जाओगे। तो एमोक का मतलब होता है गुस्से की भावना से भरा हुआ, एमोक, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा बड़ा एम्यूलेट। एम्यूलेट को पढ़ना है आपने अमूल्य है। क्या पढ़ना है? अमूल्य है। अब मान लो ये कोई लड़की है, रानी है मान लो ये, अब इसने हार पहन रखा है, हीरे का बहुत महंगा हार है ये, ठीक है ना। तो ये क्या है? एम्यूलेट का मतलब अमूल्य है, अमूल्य हार डाल रखा है। तो हार को बोलते हैं, नेकलेस को बोलते हैं एम्यूलेट, ठीक है ना। तलिस्मन भी क्या होता है? जब कोई आप लॉकेट डालते हो, कोई जब आप कोई लॉकेट वगैरह डालते हो, आपको लगता है मेरे लिए बड़ा लकी है ये, उसको बोलते हैं तलिस्मन है। उसको क्या बोलते हैं? तलिस्मन। जैसे अगर आपने अमिताभ बच्चन की वो देखी है मूवी शायद दीवार है, उसमें क्या अमिताभ बच्चन 786 का एक बिल्ला डालता है, ठीक है ना, तो उसका तलिस्मन है। तो कोई छाप डालते हो आपको लगता है लकी है मेरे लिए, वो तलिस्मन होता है। और एमलेट क्या होता है? हार होता है, नेकलेस होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनाक्रोनिज्म। देखो क्रोन किसका रूट है? इंग्लिश में क्रोन रूट है टाइम का। किसका रूट है? टाइम का रूट है, इंग्लिश में समय का रूट है। तो एनाक्रोनिज्म का मतलब पता है क्या होता है? जो इस समय से जुड़ा नहीं हुआ। जैसे आप कई बार हॉलीवुड मूवी देखते हो, मान लो कि अब चल रहा है 2020, अब आपने मूवी देखी, कोई पुराने समय की मूवी देख रहे हो आप, तो ये सब्जेक्ट क्या है? एनाक्रोनिज्म है इसके अंदर। यानी कि इस सब आपने मूवी देख ली, मतलब कि आज से 5,000 साल पहले कैसा होता था, ठीक है ना, इतनी पुराने आदिवासियों के ऊपर मूवी है, तो ये क्या है? एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है। यानी कि इसका इस समय से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही हो सकता है आप आज से 100 साल बाद जिंदगी कैसी होगी, पृथ्वी कैसी होगी, रोबोट्स होंगे, आप उसके ऊपर मूवी देखते हो, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है। जो इस समय से ताल्लुक नहीं रखता, जिसका कनेक्शन इस समय से नहीं है, दैट इज एनाक्रोनिज्म। ओके देखो एनाल्जेसिक। देखो इसको आपने क्या पढ़ना है? एनाल्जेसिक है ना, आप इसको ना लेग इज सिक पढ़ना है। एना, एना एक लड़की है मान लो, एना एक लड़की का नाम है, इसकी लेग में क्या पेन है, इसकी टांग में क्या दर्द है, सिक है, तो ये क्या करेगी? ये दवाई खाएगी ताकि इसका पेन खत्म हो जाए। तो जो चीज़ें दर्द कम करती हैं दे आर कॉल्ड एनाल्जेसिक, दे आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनालॉगस। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो, अगर आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस की है, तो आपने ज़रूर एनालॉजी के क्वेश्चंस किए होंगे। तो एनालॉजी क्या होता है? एक तरह से संबंध देखना दो चीज़ों के बीच में, जैसे ए रेशो बी, तो व्हाट इज सी रेशो डी, तो ऐसा आपने देखा होगा, ये एनालॉजी के एग्जांपल होते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है एक तरह से सिमिलरिटीज को बोल सकते हैं, एनालॉजीज, तो सिमिलर को इंडिकेट करता है ये। तो एनालॉजी आपको पता ही है, पैरेलल है, सिमिलर है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनार्चिस्ट। देखो इंग्लिश में आर्की किसका रूट है? शासन का रूट है, शासन का रूट है। और अगर आपने वोकैब की अगर सारी क्लासेस लगाई हैं तो आपने पता होगा कि IST किसको इंडिकेट करता है? किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। अगर आपके सामने कभी भी IST लिखा मिलता है किसी वर्ड के आखिरी में, हमेशा भी व्यक्ति बनेगा। और एना का मतलब होता है नहीं, ठीक है ना। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि कानून व्यवस्था में, सरकार के सिस्टम में यकीन नहीं रखता, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनार्की। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अनार्की, यानी कि जब सरकार है ही नहीं, जब कोई सिस्टम है ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अनार्की हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनाथेमा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनाथेमा पढ़ने में हमें लगता है एस्थमा। इसको याद मैंने कैसे कर रखा है? एनाथेमा को हमने क्या पढ़ना है? एस्थमा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एस्थमा। अब मान लो कोई पर्सन है, इसको एस्थमा हो गया, तो मतलब इसको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, सांस लेने में कष्ट होगा, तो ये किसी शराब से कम नहीं है, ये किसी शराब से कम नहीं है। तो एनाथेमा का मतलब होता है शराब, यानी कर्स को बोलते हैं, ठीक है ना, कर्स को क्या बोलते हैं? एनाथेमा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंसेस्ट्री। देखो एंसेस्टर्स कौन होते हैं? जो आपके पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं। तो लीनिएज यानी कि गोत्र को बोलते हैं, एंसेस्ट्री कह सकते हो आप। लीनिएज का मतलब होता है गोत्र, ठीक है ना, तो उससे आप समझ सकते हो, एंसेस्ट्री को वहां से कनेक्ट कर सकते हो। एंसिलरी, देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंसिलरी। देखो एंसिलरी का मतलब कहते हैं हेल्प करने वाला होता है, एक्स्ट्रा से आप जोड़ सकते हो। जैसे मान लो आपने गाड़ी, आपके पास गाड़ी के चार पहिए हैं, ठीक है ना, गाड़ी के क्या है? चार पहिए हैं,
यहाँ पे तो दो ही दिख रहे हैं। अब आपने एक स्टेपनी भी डाल रखी है, तो ये क्या है? एंसिलरी है भाई, अगर एक पंचर हो जाएगा तो आपके काम आ जाएगी। तो एंसिलरी का मतलब होता है जब कष्ट आएगा तो आपको जो सपोर्ट करेंगी चीज़ें, जब को हेल्प करेंगी, एड करेंगी, वो क्या होती हैं? एंसिलरी होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनेक्डोट्स। देखो एनेक्डोट का मतलब पता है क्या होता है? किससे कहानियाँ होते हैं, जैसे आप रात को सोते हो, अगर शायद आपने कभी अपनी दादी से सुना हो, मम्मी से कोई कहानी सुनी हो, वो क्या है? एनेक्डोट्स हैं। किससे कहानियों को बोलते हैं? एनेक्डोट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं एनीमिया। एनीमिया तो आपको पता ही होगा, खून की कमी होती है, ठीक है ना। और आप सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जीके बहुत कमाल की होनी चाहिए। देखो मेरे को इतना पता है, अगर आपकी इंग्लिश और जीके स्ट्रांग है तो आपको अधिकतर नौकरियां मिल जाएंगी। अगर इंग्लिश जीके स्ट्रांग नहीं है तो फिर दिक्कत है। रीजनिंग मैथ सबका ही ठीक होता है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं होता। 100 में से 70-80 लोगों का रीजनिंग मैथ ठीक होता है। रीजनिंग में तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता, अभी थोड़ा लेवल बढ़ गया होगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट सबका ही अच्छा होता है। सो आप अपनी जीके और इंग्लिश को बहुत अच्छा कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट जॉब, जीके तो सबकी अच्छी होनी ही चाहिए। तो एनीमिया तो जीके का कॉन्सेप्ट है, जिसके शरीर में खून की कमी होती है उसको बोलते हैं एनीमिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनेस्थेटिक। देखो एनेस्थेटिक का मतलब है इसको एनेस्थीजिया से याद रखना है। अगर आपने कभी देखा होगा जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो एनेस्थीजिया देते हैं, पेशेंट को बेहोश कर देंगे। पेशेंट क्या कर देंगे? बेहोश कर देंगे, ठीक है ना। अब पेशेंट को बेहोश करेंगे फिर इसकी सर्जरी करेंगे, तो एनेस्थीजिया क्या करता है? बेहोशी का करता है। तो एनेस्थेटिक का मतलब होता है जो चीज़ें आपकी ना सेंस खत्म कर देती हैं उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक है ये। जैसे आपने कोई टीका लगाया और आपको सेंस ही खत्म हो गई कि मेरा अंग है कि नहीं है, तो ये क्या? एनेस्थेटिक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंग्विश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंग्विश। देखो एंग्विश को आपने ना एंगर से याद रखना है। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो ना तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आप खुद को ही परेशान कर रहे हो, आप खुद ही पेन और सफरिंग के अंदर जूझ रहे हो, ठीक है ना। जिसके ऊपर गुस्सा करोगे वो तो बाद में देखेगा, पहले तो आप खुद ही उसके अंदर परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। तो पेन को क्या बोलते हैं? एंग्विश, या सफरिंग क्या बोलते हैं? एंग्विश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंगुलर। देखो एंगुलर वर्ड बने एंगल से। किससे बने? एंगल से। देखो एंगल क्या होता है? जैसे लाइन है, अब मैंने इसमें से कोई एंगल बना दिया, ये लाइन क्या कर रही है? एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, ठीक है ना। तो ये एंगल है, एंगल तीखा, तो एंगुलर का मतलब शार्प होता है, तीखे को बोलते हैं एंगुलर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिमेडवर्जन। अगर आपने ठीक से प्रेपोजिशन क्लास लगाई है तो उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था एडवर्स, या एडवर्स का मतलब होता है, शायद हमने पहले पढ़ा हो, नफरत को इंडिकेट करता है, नफरत या डिसलाइक को इंडिकेट करता है एडवर्स। एनिम का मतलब होता है दिल, तो अगर किसी के दिल में नफरत का भाव है तो क्या करेगा? वो दूसरे की निंदा करेगा, बुराई करेगा। दिस इज एनिमेडवर्जन, अ क्रिटिकल रिमार्क और क्रिटिसिज्म। कई बार कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है लेकिन फिर भी सामने वाले को कमी दिखती है, कईयों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो कमी दिखती है, तो ये क्या है? एनिमेडवर्जन का एग्जाम्पल है। दूसरे में कमी देखने का भाव क्या होता है? एनिमेडवर्जन, ठीक है ना। एनिमेटेड, अभी हमें मालूम है कि एनिम किसका रूट है? दिल का रूट है, प्राण का रूट है। तो एनिमेटेड का मतलब होता है जीवित, जिसमें प्राण है, जिसमें ऊर्जा है, विगोरस है, लाइवली है। विगोर किसका रूट है? ऊर्जा का रूट है। तो जिसका जिसमें ऊर्जा है, जिसमें जान है, प्राण है, ये क्या है? एनिमेटेड है, उसको बोलते हैं एनिमेटेड है ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिमोसिटी। हमने एनिमोसिटी पढ़ रखा है, एनिम किसका रूट है? दिल का रूट है। तो एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिमस। एनिमोसिटी क्या था? दुश्मनी का भाव, और एनिमस भी क्या होता? दुश्मनी से भरा हुआ। दोनों के दोनों ऐसे वर्ड्स हैं, एनिमोसिटी एंड एनिमस। आप टेस्ट देते रहना तो आपको वोकैब बहुत अच्छे से होगी, रीडिंग करते रहना, ठीक है ना। रीडिंग की क्लास जरूर, अगर कोई लगाना चाहता है तो जरूर लगाए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनल्स। देखो एनल्स को ना आपने AN से याद रखना है। AN इंग्लिश में साल को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? साल को इंडिकेट करता है। तो एनल्स का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स केप्ट क्रॉनिकली। अगर देखो मतलब कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, हर साल रिकॉर्ड किया जाता है भी 1857 में ये हुआ, फिर 58 में ये हुआ, फिर 59 में ये हुआ, ऐसा रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। तो ये रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? एनल्स हैं ये। ये क्या है? एनल्स है। किसी भी चीज़ का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? एनल्स बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है? AN। AN साल को इंडिकेट करता है, तो ईयर बाय ईयर ऑर्डर्स को, जैसे किसी ने कोई अचीवमेंट्स करी, जैसे आर्मी है, तो आर्मी की परफॉर्मेंस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करें वो क्या बन जाएगा? आर्मी का एनल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनील। देखो एनील को ना आपने हील से रखना है। हील का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आराम पहुँचाना,
किसी को चोट लगी तो वो हील करेगा, है ना। तो रिड्यूस ब्रिटलनेस बाय हिटिंग, जैसे किसी को ना ठंडा करना, हील करना क्या होता है, एनील करना होता है। तो एनील को आप हील से कर सकते हो, ठीक है ना, एनील करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनेक्स। देखो अगर आपको ध्यान, हमने वर्ड पता अडेंडम, अडेंडम का मतलब होता है एड एट द एंड, एड एट द एंड। आपने कोई किताब लिखी, 100 चैप्टर थे इसके अंदर, फिर इसमें एक और आपने जोड़ दिया, आपने इसको अडेंड कर दिया, अडेंडम जोड़ दिया इसके अंदर। तो अनेक्स का भी आपने नेक्स्ट से याद रखना है, जब आप किसी चीज़ में कुछ जोड़ देते हो आप उसको अनेक्स कर देते हो, यानी कि नेक्स्ट पार्ट जोड़ देना, अनेक्स करना होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनीलिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपको पेपर में मिलेगा, अगर आप नॉवल्स पढ़ते हो तो नॉवल से मिलेगा। देखो इसको याद कैसे करना है, ये कोई हिल है मान लो, अब ये हिल मान लो कि राक्षस है, इसका नाम है एनी, इसका नाम है एनी। अब एनी क्या करता है, लोगों को हिल के ऊपर जाके खा जाता है। ये लोग हैं, ये हिल के ऊपर जाएगा, एनी हिल के ऊपर जाएगा और लोगों को एट कर लेगा। तो एनीलेट अगर आप जोड़ोगे क्या बनेगा, एनी ही लेट बनेगा। तो एनी ही लेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनोटेट। देखो एनोटेट का मतलब पता है क्या होता है, किसी चीज़ के नोट्स साथ साथ लिखते जाना, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने कोई बात डिस्कस करी, अब अभी तो जैसे आपने कोई, मैंने कोई पीडीएफ दी, ठीक है ना, आपने क्या किया, आपने उसके अंदर ना अलग से कुछ नोट्स लिख लिए, की पॉइंट्स लिख लिए, तो आपने पीडीएफ को एनोटेट कर लिया। तो एनोटेट का मतलब होता है ऐड नोट्स करना। देखो ऐड नोट्स करने का बोलते हैं एनोटेट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनुइटी। देखो एनुइटी ने एक तरह से क्या होता है, आपको ना एनुअल जो आप फंड्स मिलते हैं सरकार की तरफ से, भत्ता वगैरह मिलता है, वो एनुइटी होता है, ठीक है ना। एनुअल जो आपको सरकार से फंड्स मिलते हैं, अलाउंस वगैरह मिलते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे शायद उनको पता होगा, वो क्या होते हैं, एनुइटी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनल। देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो नल किसका रूट है, जीरो का रूट है। इंग्लिश में नल, एन यू डबल एल किसको इंडिकेट करता है, जीरो को इंडिकेट करता है। तो नलीफाई करने का मतलब होता है शून्य कर देना। नलीफाई करने का क्या मतलब होता है, शून्य कर देना। तो एनल करने का मतलब होता है किसी चीज़ को इनवैलिड कर देना, ठीक है ना। जैसे मान लो आप ना गाड़ी चला रहे हो, अब आपने ओवर स्पीड कर ली, पुलिस वगैरह आई, सामने से आपका चालान काट दिया और आपको बोला कि भाई आपका हम लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपका लाइसेंस क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। तो जब आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, एनल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एनल हो जाएगा। अब यहां तक 2 मिनट लगेंगे, सारे वर्ड्स पढ़ लो, फिर कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, करो यहां तक। हाँ जी, आई हो आपने सारे सारे पढ़ लिए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा किसी को, किसी को डाउट तो आप कमेंट करके बता दो, कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा 4th डे है, इसमें हम अल्फाबेट ए पी चल रहे हैं अभी तक, चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनोडाइन। देखो डाइन किसका रूट है, डाइन रूट है पेन का, किसका रूट है, पेन का रूट है। एनो का मतलब नहीं, तो जो जो दवाइयाँ पेन किलर्स होती हैं उनको बोलते हैं एनोडाइन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोडाइन्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनोइट। एनोइट देख लेंगे, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बारी। एनोमलस, देखो एनोमलस ना वर्ड बना है एनोमली से, किससे बना है, एनोमली, एनोमली यानी कि जो नॉर्मल नहीं है।
जो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती वो एनोमलस होती हैं, यानी कि इररेगुलर, एबनॉर्मल, ठीक है ना। जो नॉर्मली, जैसे ऋतिक रोशन का हाथ है, अब कई लोगों के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, तो ये एनोमली का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नॉर्मली तो 5 होती है ना, लेकिन ये एनोमलस है कि उसके हाथ में 6 उंगली है, जो नॉर्मली देखा नहीं जाता। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनोमली। एनोमली तो ये हो गया, एबनॉर्मेलिटी हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनोनिमिटी। देखो हमें मालूम है कि निम किसका रूट है, नाम का रूट है। निम किसका रूट है, नाम का रूट है, और एनो का मतलब नहीं। तो एनोनिमस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं है। और गुमनामी को क्या बोलते हैं, एनोनिमिटी। गुमनामी को क्या बोलते हैं, एनोनिमिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंटागोनिज्म। जिन्होंने क्लास रेगुलर लगाई है उनको पता होगा, अगर आप किसी लड़की को आंटी बोल दो, अगर आप किसी लड़की को बोलो आंटी, तो उसको क्या लगेगा, उसको खुंदक हो जाएगी आपसे, दुश्मनी कर लेगी आपके साथ, ठीक है ना। तो वो क्या है, एंटागोनिज्म की भावना है, हॉस्टिलिटी की भावना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं एंटीसीड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंटीसीड। देखो एंटी इंग्लिश में किसको इंडिकेट करता है, पहले वाले को इंडिकेट करता है। एंटी किसको इंडिकेट करता है, पहले वाले को इंडिकेट करता है, पहले वाला। तो जैसे मान लो आप कहीं पे ऑफिसर लग गए, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अब आपसे पहले जो बंदा यहाँ पे था, जो जॉब वो आपका एंटीसीडेंट था, ठीक है ना। तो एंटीसीड, एंटीसीड का मतलब होता है पहले वाला। ओके, अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। अब देखो, अब आपने कल, आई होप खत्म हो जाएगा हमारा ये, आपने रिवाइज करना है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, आज इतना ही करेंगे। कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, कोई डाउट है तो बता दो फटाफट। ज्योति कोई डाउट, पीहू कोई डाउट, अमित, सुमंती कोई डाउट, कोई दिक्कत, गुरमीत कोई डाउट, रू कोई प्रॉब्लम, दिवांशु, रूबी कोई डाउट, आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। कल करेंगे आगे, ठीक है। और मार्केट तो सारी खुल गई है, सिर्फ कोचिंग सेंटर्स नहीं खुले हैं अभी तक, है ना। अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, बाकी सब तो खुल गया है, बाकी सब ओपन हो गया है, स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं खुले, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सुमंती, थैंक यू गुरमीत, थैंक यू ज्योति। चलो आज इतना ही करते हैं, कल करते हैं, बाय बाय।